हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस अमेजिंग ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम किम है। वो बिल्लियों को देखते हुए सोचता है कि इनकी लाइफ कितनी मजे की होती है। इन्हें ना तो काम की टेंशन होती है और ना ही अपने फ्यूचर की, और ये जब भी चाहे सेक्स कर सकते हैं। मैंने तो ये सब बस वीडियोस में देखा है। वो बड़बड़ाता है कि मैं भी सेक्स करना चाहता हूँ। तभी वो हड़बड़ाते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, कहीं किसी ने ये सुना तो नहीं। वो साइड में देखता है तो वहाँ पर यूनी बैठी होती है। किम सोचता है कि ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है। यूनी उसे ही देख रही होती है। वो सोचता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, क्या इसे मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन ये तो एक बच्ची है, लेकिन फिर भी मुझे सेक्सुअल क्राइम के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं क्रिमिनल्स के बीच में सो नहीं सकता हूँ। क्या ये मेरी लाइफ का दी एंड है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे इस बच्ची को सब समझाना होगा। वो डरते डरते यूनी को समझाना चाहता है। तभी यूनी पूछती है कि क्या आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको बिल्लियों से जलन हो रही थी? किम सोचता है कि क्या आजकल के सारे बच्चे इतने समझदार होते हैं, ये तो बड़ों के जैसे सोच रही है। फिर वो सोचता है कि अगर इसके पेरेंट्स इससे सवाल पूछेंगे तो ये तो सब सच बता देगी और बोलेगी कि ये अंकल तो मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे, तब उसके पेरेंट्स मुझे छिछोरा समझेंगे और यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो घर से बाहर ही नहीं आना चाहिए था। वो भगवान से कहता है कि क्या मुझे 34 की एज में बेरोजगार देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अगर आज की डेट में मुझे जॉब मिल भी जाती है तो भी मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा। वो कहता है कि मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला है, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तभी यूनी कहती है कि आपको इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। किम कहता है कि तुम क्या बोल रही हो? यूनी कहती है कि आप काफी देर से अपने से बातें कर रहे हो, आप बहुत नेगेटिव इंसान हो। किम पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूनी कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों ने 2 बिलियन वॉन कैश कहाँ छुपाया होगा। किम सोचता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस बारे में बोल रही है। तभी यूनी का पेट भूख की वजह से आवाज करने लगता है। किम पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? यूनी हाँ कहती है। वो पूछता है कि फिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? यूनी कहती है कि मेरे पास खाने के लिए रुपए नहीं है। किम सोचता है कि क्या ये घर छोड़कर आई है? यूनी कहती है कि मैं घर से भागकर नहीं आई हूँ। किम सोचता है कि क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकती है? यूनी कहती है कि मैं एक तरह से होमलेस हूँ। किम सोचता है कि क्या कोई इस एज में होमलेस हो सकता है? यूनी पूछती है कि आप क्या करते हो? किम सोचता है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूँ? वो कहता है कि मैं घर पर बैठकर एनिमी देखने का काम करता हूँ। यूनी कहती है कि इसका मतलब आप बेरोजगार हो। वो सोचता है कि मैं तो पकड़ा गया। वो कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए कहा है। यूनी कहती है कि इसका मतलब तो आपकी मॉम काफी गुस्से में है। किम हाँ कहता है। यूनी पूछती है कि फिर आप जॉब क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यूनी कहती है कि आप ड्राइवर का काम कर सकते हो। किम कहता है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यूनी फिर कहती है कि आप कन्वीनियंस स्टोर या कैफे में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। किम कहता है कि मुझे एक तरह की बीमारी है, जब भी मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, इस वजह से मैं ऐसी जॉब नहीं कर सकता जहाँ मुझे लोगों से बात करनी पड़े। यूनी पूछती है कि फिर तो आपने अभी तक रोमांटिक एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा। किम कहता है कि आजकल की लड़कियाँ घमंडी होती है, वो मेरे जैसे अगली और बेरोजगार लड़कों से नफरत करती हैं। यूनी कहती है कि आपको ऐसी बीमारी तो नहीं होनी चाहिए, क्या आप किसी लड़की से मिले हो? किम कहता है कि मुझे किसी लड़की से मिलने की जरूरत नहीं है, सारी लड़कियाँ मुझसे हेट करती हैं। यूनी कहती है कि मैं आपको हेट नहीं करती हूँ। किम कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि अभी तुम बच्ची हो। यूनी कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। किम कहता है कि अभी तुम्हें बच्ची वर्ड से चिढ़ मच रही है, लेकिन जब तुम मेरी तरह बड़ी होगी तब तुम्हें पता चलेगा बच्चा होना जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है। यूनी फिर कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। किम सोचता है कि वैसे ही बहुत क्यूट है, मैं भी चाहता हूँ कि बाद में मेरी ऐसी ही एक बेटी हो। वो उसे कहता है कि तुम बड़ी होकर एक्टर बनना। यूनी थोड़ी इरिटेट होकर कहती है कि क्या आप किसी की बात नहीं सुनते हो? मैं बच्ची नहीं हूँ। किम पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है? यूनी कहती है कि मैं 18 साल की हूँ। ये सुनकर किम को शॉक लग जाता है। वो सोचता है कि क्या ये हाई स्कूल गर्ल है? उसकी सांस फूलने लगती है। यूनी हंसते हुए कहती है कि आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो?
किम सोचता है कि क्या मैं एक हाई स्कूल लड़की से बात कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन वो मेरे जैसे लड़के से बात क्यों करेगी, जरूर वो मेरे पर हंस रही होगी। यूनी पूछती है कि आपको अचानक से क्या हो गया। किम उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने आज जो भी कहा उसे भूल जाना। ऐसा कहकर वो जाने लगता है तो यूनी उसे रोक देती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। किम कहता है कि अब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो ना। यूनी कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो कहता है कि आजकल की हाई स्कूल गर्ल्स काफी अलग है। यूनी पूछती है कि क्या आप मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे। ये सुनकर किम चौंक जाता है। यूनी उसकी नकल उतारते हुए कहती है कि आप बहुत फनी हो। फिर यूनी उसे अपना नाम बताती है। किम उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं 34 साल का हूँ। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। किम पूछता है कि वैसे तुम मेरी फ्रेंड क्यों बनना चाहती हो। यूनी कहती है कि क्या आप बहुत सारे रुपयों वाली पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को जमीन खोदते हुए देखते हैं। इनमें किम भी होता है। गाविन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुपए होंगे। यूनी कहती है कि उन लोगों ने ये जमीन खरीदी थी, पक्का उन्होंने रुपए यहीं छुपाए होंगे। मिन कहती है कि अभी तक तो हमें रुपए नहीं मिले हैं। यूनी कहती है कि उन्होंने रुपए बहुत सारी जगह पर छुपाए होंगे। यूनी सोचती है कि हमने उस फ्रॉड आदमी की सारी प्रॉपर्टी चेक करी। जेल जाने से पहले उसने बहुत सारे चावल के खेत, नॉर्मल खेत और पहाड़ों को खरीदा था। वो किसान तो नहीं था, इसलिए उसका चावल के खेत और बाकी के खेतों को खरीदना काफी अजीब था। भला कोई पहाड़ क्यों खरीदेगा। तभी मिन कहती है कि हमारे भाई ने हमें ये करने से मना किया था। हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले तीनों गर्ल्स बोसोंग को ये बात बताती है। यूनी कहती है कि हमारे रुपए ठगने वाले आदमी ने रुपए जमीन में छुपाए हैं। बोसोंग कहता है कि ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। गाविन कहती है कि हमें हमारे रुपए ढूंढने की जरूरत है। बोसोंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि उसने जमीन में रुपए छुपाए होंगे, लेकिन उसने उनकी रखवाली के लिए भी लोगों को रखा होगा। यूनी कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो रुपयों को दबाता नहीं और किसी के पास छुपा के रखता। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, इसलिए उसने रुपयों को जरूर जमीन में छुपाया होगा। बोसोंग उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूनी और उसकी बहन उस आदमी के सारे खेत चेक कर चुकी होती है, लेकिन उन्हें अभी तक रुपये नहीं मिलते। और जिस जगह में वो अभी चेक कर रहे होते हैं वो लास्ट पहाड़ होता है। किम खुदाई में लगा होता है, तभी उसका फावड़ा किसी चीज से टकराता है। ये देखकर सब काम करना बंद कर देते हैं और किम के पास जाकर देखते हैं। वहाँ पर नोटों का बंडल दबा होता है। ये देखकर वो चारों खुशी से कुरूभक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किम को एक छोटा पैकेट पकड़ा देखते हैं। गाविन कहती है कि ये 50 मिलियन वॉन है। यूनी कहती है कि इससे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो और एक छोटा सा कैफे खोल सकते हो। किम इमोशनल होते हुए पूछता है कि क्या मैं सच में ये रुपए ले सकता हूँ। मिन कहती है कि आपने हमारी हेल्प की, ये उसके बदले है। किम उन्हें थैंक्स कहता है और वहाँ से जाने लगता है। यूनी कहती है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी। किम उन्हें बाय करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों बहनें रुपए लेकर बोसोंग के पास पहुँचती है। मिन सीधा जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। बोसोंग पूछता है कि तुम तीनों पूरी रात कहाँ थी। मिन कहती है कि हम तीनों पिछले 24 घंटों से सोई नहीं है। गाविन कहती है कि ये 1.8 बिलियन वॉन है। बोसोंग को कुछ समझ नहीं आता। यूनी कहती है कि 50 मिलियन वॉन खर्च करने के बाद ये 1.8 बिलियन वॉन बचे हैं। ये सुनकर बोसोंग बैग चेक करता है। पूरा बैग रुपयों से भरा होता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें अपने पूरे रुपए वापस मिल जाते हैं। अब वो चारों अपना घर लेकर उसमें खुशी खुशी रह सकते हैं। इस ड्रामा से हमें ये सीख मिलती है कि अनजाने में बने हुए कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।